नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रीमियम स्टॉक में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि वेदांता के लिए इस समय कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है और कंपनी का प्राइस एक कंसोलिडेटेड एरिया में ट्रेंड कर रहा है, न ऊपर की ओर जा रहा है और न प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। लेकिन जो अब खबर सामने निकल कर आ चुकी है उसके कारण कंपनी का शेयर प्राइस अब नीचे की ओर थोड़ा सा गिरने को देखने को हमें मिल सकता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। पहले एक नज़र शेयर के बारे में डालते हैं, जिससे कुछ आपको समझने को देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन कंपनी के प्राइस में 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिली थी। इसका कारण यह था कि कंपनी का Q2 का रिजल्ट आने वाला था। लोगों को अनुमान था कि कंपनी को प्रॉफिट में देखने को मिलेगा और कंपनी जो है डिविडेंड को लेकर भी बड़ा अनाउंसमेंट करेगी, क्योंकि कंपनी का जब जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो तब कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इस बार कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ही देखने को मिला है, जो कि यह कंपनी में पहली बार देखने को मिला है। अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो 2020 से लेकर अब तक 2023 तक कंपनी को लॉस देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब जाकर कंपनी में एक भारी लॉस देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पिछले 6 महीने के बारे में बात करें, आपको देख सकते हैं कि कंपनी का स्ट्रक्चर रेड कलर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। उस समय कंपनी का पिछले 6 महीने में कंपनी का प्राइस ₹274 हुआ करता था, लेकिन इस समय कंपनी का प्राइस ₹232 पर आ चुका है, क्योंकि कंपनी के कई सारे डील जो थे वो पूरी तरह से कैंसिल हो गए थे और कंपनी ने कुछ नए डिसीजन भी लिए हैं, जिसके कारण कंपनी में यह हलचल देखने को मिली है। अब बात करते हैं कंपनी में यह लॉस कितना देखने को मिला है। तो आपको बता देते हैं कि इस बार कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। कंपनी के Q2 के रिजल्ट के मुताबिक कंपनी को 915 करोड़ रुपये का जोरदार लॉस देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी के अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि कंपनी को 38,546 करोड़ रुपये का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, जिसमें 6% की उछाल देखने को मिली है। इसके साथ साथ आप एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कंपनी इस बार कोई डिविडेंड नहीं दे रही है, क्योंकि कंपनी का जब Q2 का रिजल्ट आता है, कोई किसी भी क्वार्टरली का रिजल्ट आता है तो उसमें कंपनी डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट करती है। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कंपनी खुद ही लॉस में चली गई है। वहीं अगर कंपनी की हिस्ट्री के बारे में देखें तो कंपनी को पिछले बार कितना प्रॉफिट हुआ था, अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्वार्टरली बाई क्वार्टर में अगर कंपेयर किया जाए तो आपको देखने को मिल सकता है कि इस बार के मुताबिक कंपनी को ज़्यादा लॉस देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि कंपनी का ये जो है सितंबर 2020 से लेकर अब तक का कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और कंपनी के अगर नेट लॉस के बारे में देखें, नेट प्रॉफिट के बारे में देखें, तो आपको देख सकते हैं कि कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट और लॉस देखने को मिला है। देखिए सितंबर 2020 में कंपनी को 1658 करोड़ रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला था। कंटिन्यू कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जाकर कंपनी को 915 करोड़ रुपये का जोरदार लॉस देखने को मिला है। इसका मात्र एक ही कारण है कि कंपनी के जो डील थे वो कैंसिल हो गए थे और कुछ कंपनी अपने कर्ज चुकाने में काम कर रही है, जो कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी देखने को मिल रही थी। आप देख सकते हैं कि वहीं कंपनी के फंडामेंटल को समझने की कोशिश करें, कंपनी में इसमें फंडामेंटल कितना मजबूत देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट के मुताबिक कंपनी के हर दिसंबर, मार्च, जुलाई इस प्रकार से कंपनी में डिवाइड है कि कंपनी में कितना प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। पब्लिक सेक्टर में बहुत कम शेयर देखने को मिले, मात्र 17% देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण कंपनी का फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, लेकिन कंपनी आज जो है लॉस देखने को मिल रही है, जिसके चलते कंपनी ने अपने जो डिविडेंड दे रही थी शेयर होल्डरों को वो भी कैंसिल कर चुकी है, क्योंकि कंपनी जब को प्रॉफिट होती है तभी डिविडेंड देती है, उसके अलावा डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। आपको ध्यान में रखना होगा कि जब मंडे को मार्केट खुले तो आपको उस समय संभल कर खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली के मुताबिक कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है, पहली बार ये देखने को मिल रहा है। आप जो है संभल कर खरीदारी करें। वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।